खेतों में पानी भरा हुआ, कल पानी गिरने के बाद भी अभी तक खेतों में पानी दिख रहा है और फसलें पूरी तरह 100% चौपट हो गई, कुछ नहीं बचा। आप देखेंगे वीडियो में तो आपको मालूम चलेगा कि एक भी दाना नहीं बचा। दमोह जिले में गुरुवार को बारिश के साथ ओलावृष्टि के कारण उड़द और मूंग की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इस बात की खबर पशुपालन राज्य मंत्री रतन पटेल को हुई तो वह अपने पथरिया विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद उन्होंने बताया कि बारिश के साथ ओले गिरने से 100% फसलों को नुकसान हुआ है, किसान खेतों में है। गुरुवार को बारिश हुई थी लेकिन पानी अगले दिन तक खेतों में भरा हुआ है, फसलों का नुकसान साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसलिए उन्होंने कलेक्टर को निर्देशित किया है कि वह तत्काल फसलों के नुकसान का आकलन करवाए। मंत्री ने कहा कि सर्वे के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके हिसाब से नियम अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि गुरुवार को शाम अचानक मौसम में आए बदलाव के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और जिले के कुछ इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। आज ग्राम मड़िया में अभी हम लोग निरीक्षण करने आए हैं, ओलावृष्टि, अति ओलावृष्टि, खेतों में पानी भरा हुआ, कल पानी गिरने के बाद भी अभी तक खेतों में पानी दिख रहा है और फसलें पूरी तरह 100% चौपट हो गई, कुछ नहीं बचा। आप देखेंगे वीडियो में तो आपको मालूम चलेगा कि एक भी दाना नहीं बचा। और अभी सुबह से लेकर हम लोग खोजाखेड़ी के बाद सैमरा के बाद बमोरी से लोहर्रा, सदुआ, वरासा और पटमोना, खेजरा, सरखड़ी और यहाँ से होते हुए ये मड़िया पहुँचे हैं। सभी दूर बहुत नुकसान है, कई जगह पानी के साथ ओले हैं, कई जगह सिर्फ ओले ही ओले गिरे हैं, जैसे मानपुर तरफ प्योर ओले गिरे, तो भारी नुकसान है। मेरे साथ इस गांव के सारे किसान लोग भी हैं जो अपने अपने खेतों में देखा है। कलेक्टर को भी बोला गया है और पटवारी को भी निर्देशित सारे लोगों ने, मैंने भी बोला है और कलेक्टर ने भी बोल दिया है। मुझे लगता है कि सभी जगह दोपहर तक या शाम तक सारे निरीक्षण हो जाएंगे, जो भी शासन के नियमानुसार होगा वो कार्रवाई की जाएगी।